हेलो स्टूडेंट्स तो ये है आपकी क्लास सिक्स की इंग्लिश की बुक आज हम रीड करेंगे इसका टेन चैप्टर चैप्टर का नेम है द रीडल ऑफ फोर पैसे ठीक है तो रिडल मिस आपकी होती है आप फोर पैसे मतलब चार पैसों की तो चार पैसों की एक पहेली है तो इसमें एक किसान रहता है और उसने राजा से ये चार पहेलियाँ पूछी है जो चार पैसों की होती है तो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है आई होप कि आप लोग इसे इंजॉय करें तो पहले हम इसे रीड करेंगे चलिए रीड करते हैं लॉन्ग एगो दे आर लिव्ड इन ए विलेज इन द किंगडम ऑफ आइन ए फार्मर हु वाज वेरी वाइज एंड हार्ड वर्किंग ही वेंट टू हीज फील्ड बिफोर सनराइज एंड केम बैक होम आफ्टर सनसेट एवरी डे he wore simple clothes and ate simple food. he was a happy man. one day he was plugging a field of his. by chance, the king of ujjain, who was fond of riding, passed that way. seeing the king coming towards him, the farmer stopped working and greeted him with folded hands. The king, who was very kind he hearted, stopped his horse, smiled, and said to the farmer, Why do you work so hard? Your Majesty replied, The farmer, I work so hard so that I, I may earn some money. How much do you earn daily? asked the king. Only four passe, Your Majesty replied, The farmer. And asked the king, How do you spend them? Your majesty replied the farmer the first i eat the second i lend the third i pay back and the fourth i throw away you you are you are speaking in riddles said the king he, we don't do, don't understand what you are saying will you explain yourself your Majesty said the farmer, with the first passe, I provide myself and my family with food and clothes. In this way I eat it. With the second passe, I bring up my children in this way. I lend it to them. They will beg it by the they will pay it back to me by looking after me in my old age with the third paise i look after my old parents in this way i pay them back the money they spent in bringing me up with the fourth paise i help the poor as i don't expect anything in return i throw it away द किंग वॉज ग्रेटली प्लीज विद द फार्मर ही हैव ही हैव हीम ए गोल्ड रिंग इन रिवार्ड एंड सेट गिव मी योर वर्ड दैट यू वॉन्ट टेल एनी वन द आंसर टू दिस रीडर टिल यू हैव सीन माई फेस ए हंड्रेड टाइम्स द फार्मर गिव हीज वर्ड एंड द किंग लेव फॉर द पैलेस तो चलिए हम रीड करते हैं यहाँ तक हमने रीडिंग कर लिए अब हम इसे हिंदी के साथ रीड करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग एगो लंबे समय पहले देयर लिव वहाँ रहता था इन ए विलेज एक गांव में इन द किंगडम राज में ऑफ उज्जैन मतलब उज्जैन के ए फार्मर एक किसान हूँ मिस जो वाज मिस था वेरी मिस बहुत वाइज मिस बुद्धिमान एंड मिस और हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम करने वाला लॉन्ग एगो देअर लिव्ड लंबे समय पहले वहाँ रहता था इन ए विलेज इन द किंगडम ऑफ उज्जैन उज्जैन राज के एक गांव में ए फार्मर एक किसान उज्जैन राज के एक गांव में लंबे समय पहले वहाँ एक किसान रहता था हुईज एंड हार्ड वर्किंग हु वाज जो था वेरीवाइज बहुत बुद्धिमान एंड हार्ड वर्किंग और कठिन परिश्रम करने वाला या कठिन परिश्रमी ही वेंट टू हिज फील्ड बिफोर सनराइज ही मिस वे वेंट मतलब जाता था टू हिज फील्ड अपने खेत में बिफोर सनराइज सूरज निकलने से पहले सूरज नि निकलने से पहले वह अपने खेतों में चला जाता था एंड केम बैक और वापस आता था होम घर आफ्टर सनसेट सनसेट मतलब सूरज डूबने के बाद एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन एंड केम बैक होम आफ्टर सनसेट एवरी डे और सूरज डूबने के बाद प्रत्येक दिन घर वापस आता था ही वो सिंपल क्लॉथे वह साधारण कपड़े पहनता था एंड एट सिंपल फूड और साधारण खाने खाता था ही वॉज़ ए हैप्पी मैन वह एक खुश आदमी था मतलब उसे एक मतलब इतना पूर्ण आदमी जिसे कहते हैं कि हर चीज़ को लेके खुशी होना तो ही मिस वह वाज मिस था ए मिस एक हैप्पी मतलब खुशी खुश और मैन मिस आदमी वह एक तो ये आपका खुश भी कह सकते हो सुखी भी कह सकते हो तो आप कहेंगे ही वाज ए हैप्पी मैन वह एक सुखी आदमी था वन डे एक दिन ही वाज प्लगिंग ए फील्ड ही मिस वह वाज प्लगिंग मतलब जोत रहा था ए फील्ड ऑफ हिज फील्ड मतलब एक खेत को ऑफ हिज अपने वन डे ही वाज पगिंग ए फील्ड ऑफिस एक दिन वह अपने एक खेत को जोत रहा था बाई चांस तभी द किंग ऑफ उज्जैन उज्जैन के राजा हु वाज फाउंड ऑफ राइडिंग जो घु जो मतलब राइडिंग करना मतलब होता सवारी करना ठीक है जो हु मिस वे वाज मिस थे फॉन्ड मतलब शौकीन ऑफ राइडिंग मतलब सवारी के जो सवारी के शौकीन थे पास दैट वे उसी रास्ते से गुजरे पास होना मतलब गुजरना दैट वे मतलब उसी रास्ते से उसी रास्ते के से गुजरे सिंग द किंग कमिंग टू वर्ड्स हिम सिंग मतलब देख कर किंग मतलब राजा को कमिंग टू वर्ड्स अपनी ओर आता हुआ द फार्मर स्टॉप किसान रुक गया स्टॉप रोक दिया वर्किंग मतलब काम करना सींग द किंग कमिंग टू वर्ड्स हिम अपनी ओर राजा को आता हुआ देख द फार्मर स्टॉप वर्किंग वर्किंग किसान ने काम करना छोड़ दिया या रोक दिया एंड ग्रीटेड हिम और उनसे उन्हें नमस्कार किया ग्रीटेड करना मतलब नमस्कार करना ठीक है और उन्हें नमस्कार किया विथ फोल्डेड हैंड अपने हाथों को जोड़कर द किंग हु राजा जो बहुत दयालु थे हार्टेड मतलब हृदय के द किंग मिस राजा हु मिस जो वाज मिस थे वेरी मतलब बहुत काइंड हार्टेड मतलब दयालु स्वभाव के या दयालु पवित्र के राजा जो बहुत दयालु स्वभाव के थे स्टॉफ हिज हॉर्स उन्होंने अपना घोड़ा रोक दिया इस्माइल मुस्कुराए एंड सेड और कहा टू द फार्मर किसान से वाई डू यू वर्क सो हार्ड वाई मिस क्यों डू मिस करते हो यू मिस तुम वर्क मतलब काम सो हार्ड मतलब इतना कठिन Why do you so Why do you work so hard तुम इतना कठिन काम क्यों करते हो Your Majesty महाराज replied the farmer किसान ने उत्तर दिया I work so hard मैं कठिन परिश्रम करता हूँ so that I may earn some money ताकि मैं कुछ धन कमा सकूँ अर्न करना मतलब कमा सकना ठीक है हाउ मच डू यू अर्न डेली हाउ मच कितना अधिक डू यू अर्न तुम कमाते हो डेली मतलब रोज़ाना तुम रोज़ाना कितना कमाते हो आज द किंग राजा ने पूछा ओनली फोर पैसे केवल चार पैसे योर मजिस्ट्री महाराज रिप्लाइड द फार्मर किसान ने उत्तर दिया एंड आज द किंग और राजा ने पूछा हाउ डू स्पेंड दैम हाउ मिस कैसे डू यू स्पेंड तुम खर्च करते हो देम मिस इन्हें और तुम इन्हें कैसे किस पर खर्च करते हो डू यू स्पेंड और तुम इसे खर्च कैसे करते हो हाउ मिस कैसे डू यू तुम स्पेंड मतलब खर्च करते हो देम मिस इन्हें और तुम इन्हें खर्च कैसे करते हो योर मजिस्ट्री महाराज रिप्लाइड द फार्मर किसान ने उत्तर दिया द फर्स्ट पहले आई ईट मैं खाला फर्स्ट आई ईट द फर्स्ट आई ईट पहला मैं खाता हूँ द सेकेंड दूसरा आई लैंड मैं उधार देता हूँ द थर्ड तीसरा आई पे बैक मैं अदा करता हूँ एंड द फोर्थ और चौथा आई थ्रो अवे मैं उसे फेंक देता हूँ मतलब पहला मैं खाता हूँ दूसरा उधार देता हूँ तीसरा अदा करता हूँ और चौथा मैं दूर फेंक देता हूँ यू आर स्पीकिंग इन रिडल्स यू मिस तुम आर स्पीकिंग बोल रहे हो इन रिडल्स मतलब पहेलियाँ तुम पहलियों में बोल रहे हो सर द किंग राजा ने कहा वी यू आर स्पीकिंग इन रीडल्स तुम पहलियाँ बुझा रहे हो पहलियों में बोल रहे हो सर द किंग राजा ने कहा वी डोंट अंडरस्टैंड मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वाट यू आर से तुम क्या कह रहे हो विल यू एक्सप्लेन योर सेल्फ क्या तुम मुझ मुझे इसे खुद से अच्छे से मतलब एक्सप्लन करके समझाओगे या इसकी व्याख्या खुद से करोगे योर मजस्टी महाराज सिर द फार्मर किसान ने कहा विद द फर्स्ट पैसा पहला पैसा आई प्रोवाइड माई सेल्फ मैं अपने आप पर खर्च करता हूँ एंड माई फैमिली अपने पत्नी पर विद फूड कपड़ों विध फूड खानों पर एंड क्लॉथज और कपड़ों पर मतलब पहला पैसा मैं अपने पत्नी स्वयं पर अपने पत्नी खाने और कपड़े पर खर्च करता हूँ इन दिस वे इस तरीके से आई ईट मैं इसे खाता हूँ विद द सेकेंड पैसा दूसरा पैसा आई ब्रिंग अप माई चिल्ड्रेंड आई ब्रिंग अप मैं मतलब बड़ा कर रहा हूँ आप माई चिल्ड्रेंड अपने बच्चों की देख रेख पर खर्च करता हूँ इन दिस वे इस तरीके से आई लैंड इट टू देम आई मिस मै लेंड इट टू दे मैं उन्हें उधार दे रहा हूँ देता हूँ दे विल पे इट बैक टू मी बाई लुकिंग आफ्टर मी इन माई ओल्ड एज दे मिस पे इट पे मी सदा करेंगे इट बैक इसे वापस टू मी मुझे बाई लुकिंग आफ्टर मी मेरी देखभाल करके आफ्टर मी इन माई ओल्ड एज मेरे बुढ़ापे में मतलब पहला विद द सेकेंड पैसा दूसरा पैसा आई ब्रिंग ऑफ माई चिल्ड्रन मैं अपने बच्चों के बच्चों के पालन पोषण पर खर्च करता हूँ इन दिस वे आई आई लैंड इट टू देम इस तरीके से मैं उन्हें उधार दे रहा हूँ दे विल पे इट बैक वे इसे अदा करेंगे दे विल पे इट बैक व इसे अदा करेंगे वापस अदा करेंगे टू मी मुझे बाय लुकिंग आफ्टर मी इन माय ओल्ड एज मेरे बुढ़ापे में मेरी देखभाल करके विद द थर्ड पैसा तीसरा पैसा आई लुक आफ्टर माय ओल्ड पेरेंट्स मैं उससे अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करता हूँ इन दिस पे इस तरीके से आई पे देम बैक मैं उन्हें ये वापस कर रहा हूँ द मनी धन को दे स्पेंड इन ब्रिंगिंग मी अप जो उन्होंने मेरे पालन पोषण पे खर्च किया है विद द फोर्थ पैसा चौथा पैसा आई हेल्प द पुअर मैं गरीबों की सहायता करता हूँ एज आई डों थिंग आई थ्रो इट वे एज जैसा कि आई डोंट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करना मतलब आशा करना कि मतलब मैं उन्हें एनी थिंग किसी चीज़ को इन रिटर्न वापस नहीं चाहता हूँ आई थ्रो इट बैक इस तरीके से मैं इसने फेंक देता हूँ मतलब विद द फोर्थ पैसे चौथे पैसे से आई हेल्प द पुअर मैं गरीबों की मदद करता हूँ जैसा कि आई डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग इन रिटर्न और बदले में मैं कोई भी चीज़ की आशा नहीं करता हूँ आई थ्रो इट वे अबे इस तरीके से मैं इन्हें दूर फेंक देता हूँ द किंग वाज ग्रेटली प्लीज विद द फार्मर राजा राजा विस्थान ग्रेटली मतलब बहुत अधिक प्लीज मतलब प्रसन्न हुआ विद द फार्मर किसान से राजा किसान से बहुत अधिक प्रसन्न था ही व हैव हिम ए गोल्डन रिंग उसने उसे एक सोने की अंगूठी दी इन रिवार्ड पुरस्कार में एंड सेड और कहा गिव मी योर वर्ड तुम मुझे वचन दो दैट यू वांट एट टेल एनी वन कि तुम किसी को नहीं बताओगे द आंसर उत्तर टू दिस रीडर इस पहेली का टिल तब तक यू हैव सीन माई फेस जब तक कि तुम मेरा चेहरा ए हंड्रेड टाइम सौ बार देख न लो मतलब गिव मी योर वर्ड तुम मुझे वचन दो दैट यू वॉन्ट टेल एनी वन द आंसर टू दिस रीडर कि तुम इस पहली का उत्तर किसी को नहीं बताओगे टिल जब तक यू हैव सीन माय फेस ए हंड्रेड टाइम जब तक कि तुम मेरा चेहरा सौ बार नहीं देख लेते दार्मर गेव गिव हिज वर्ड किसान ने वचन दिया एंड द किंग लेफ्ट फॉर द पैलेस और राजा महल की ओर चल पड़ा तो ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आगे का जो पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा फिलहाल के लिए इसे अच्छे से लर्न करें रीड करें और जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसे आप कमेंट में ज़रूर लिखें और अपना कमेंट में नेम राइट करें